गुणातीतो अक्षरं ब्रह्म भगवान पुरुषोत्तमः जनो जानमिदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। ये हमारी 70-80 ईयर लाइफ है और एक छोटी सी गिनती आप करें तो 8 आवर्स ऑफ द डे यू स्लीप, हम 8 घंटा तो सोते हैं। कोई बोलेगा मैं 6.5-7 घंटा सोता हूं, तो टिल द देन यू आर इन द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ द एवरेज विल कम टू 8, क्योंकि जब छोटे थे तब 10-12 घंटे सोते थे, जब बुजुर्ग होंगे बूढ़े होंगे तब भी ज्यादा सोएंगे, द एवरेज विल कम टू लाइक अबाउट 8 आवर्स अ डे, यस और नो? दैट मीन्स 24 आवर्स ऑफ द डे, 24 घंटे हैं, 1/3 ऑफ द डे वी आर स्लीपिंग। 8 घंटा सोते हैं तो 1/3 ऑफ द डे वी आर स्लीपिंग। तो स्ट्रेट इक्वेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 1/3 ऑफ द लाइफ वी विल स्लीप। तो आप अगर 70 साल इस पृथ्वी पे जिए, 70 इयर्स, तो आपके 23 साल तो सोने में जाने वाले हैं, आपको पता ही नहीं है आपका अस्तित्व का। 23 इयर्स ऑफ योर लाइफ इफ यू लीव फॉर 70 इयर्स अपॉन दिस अर्थ गोज इन स्लीप, यू डोंट नो वेदर यू एग्जिस्ट और नॉट, यस और नो? तो 23 तो ऐसे ही चले जाते हैं, आप सिर्फ 1.5 मिनट ब्रश करते हैं तो भी आपके 70-80 दिन तो ब्रश में चले जाते हैं। छोटी छोटी क्रिया आप देखें, एक्चुअली यू हैव अ रियल लिविंग लाइफ इज जस्ट अबाउट 20-25 इयर्स। अब आईने के सामने का समय तो कोई गिन नहीं सकता, वो तो सभी के अलग अलग होते हैं। द रियल टाइम वेर यू एक्चुअली कैन गिव सम इनपुट टू द सोसाइटी, मे बी थ्रू योर प्रोफेशनल वर्क, मे बी थ्रू योर सोशल वर्क, इज वेरी लेस अपॉन दिस अर्थ। तो अगर हम सोचते हैं कि मेरी उम्र अभी 25 है, 35 है, 40 है, 50 है, अभी मेरे पास 30-35 साल है, वो नहीं है। आपकी उम्र 50 है, आप 80 जीने वाले हो, तो 30 साल में से 1/3 तो निकल, तो 10 तो वैसे ही निकल जाएंगे सोने में। तो वर्क एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट ने समझने के लिए सबसे पहली सबसे बड़ी बात यह समझनी है कि वक्त बहुत कम है। वर्क एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट में सबसे बड़ी बात यह समझ आ रही है, यू हैव वेरी लेस टाइम अपॉन दिस अर्थ। 40-50-60 कैसे हो गए पता चला? कब बीत गए पता नहीं चला, कब बीत गए कि पता नहीं चला। तो बाकी जो 20-25 बचे वो भी बीत जाएंगे। तो द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट is the basic understanding that we as humans, we have very, very less time upon this earth. 70-80 years is nothing in this world which moves with a very fast pace, in this world which is very competitive. इसमें 70-80 साल कुछ भी नहीं है, ऐसे चले जाते हैं। रोज पृथ्वी पे से 1.5 लाख लोग विदा लेते हैं, 24 घंटे में 1.5 लाख। 24 घंटा मतलब 86,200 सेकंड्स, उसमें 1.5 लाख लोग, मतलब हर 2 सेकंड 3 लोग विदा लेते हैं। एवरी 2 सेकंड्स 3 पीपल लीव दिस अर्थ। तो हमने जो ये फंक्शन चालू किया, जो ये बात शुरू हुई, वो करीबन 1:10 को शुरू हुई थी, 1:35 होने आई, 25 मिनट हुई, 25 मिनट में मतलब 1500 सेकंड हुई, और 1500 सेकंड में करीबन 2200 लोग इस पृथ्वी पर से चले गए। आई एम टॉकिंग ऑफ द लास्ट 25 मिनट्स। दिस टू रियलाइज इन योर डे टू डे प्रैक्टिसेस एंड डेली प्रैक्टिकल लाइफ, वंस इन द मॉर्निंग यू हैव टू टेल योरसेल्फ, एक बार तो सुबह में अपने आप को कहना ही है कि मेरे पास समय बहुत कम है। यस और नो? मैं चाहूंगा आप एक बार अभी बोले, मेरे पास समय बहुत कम है। एंड दिस अ फैक्ट, इट्स अ रियलिटी। तो उस कम समय में हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारी सांसारिक जवाबदारियां भी हमें अच्छी तरह से निभाएं, कुछ सेवा प्रवृत्ति में भी हम लोग प्रवृत्त हो,
ताकि समाज को कुछ निस्वार्थ भाव से दे सके जो भी क्षेत्र में, और हमारा चारित्र का गठन भी ऐसा हो कि हमारे आसपास के लोग जो हैं, जो मित्र हैं, संबंधी हैं, उनको भी एक पवित्र चारित्र की प्रेरणाएं दे सके। तो ये कम समय में हमें ये तीन बात करनी है, विच इज कॉल्ड वर्क एफिशिएंसी एंड टाइम मैनेजमेंट। पहली बात, सांसारिक जवाबदारियां बराबर निभानी है, उसमें नौकरी, धंधा, व्यापार, परिवार, मित्र सब आ जाते हैं, वो सब सांसारिक जवाबदारी है। दूसरी बात, कोई छोटी मोटी संस्था में या छोटे मोटे कारण में निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करनी है और कुछ समाज को निस्वार्थ भाव से प्रदान करना है, जो भी बन सके, जितना भी हो सके। और तीसरी बात यह है कि हमारा जीवन इतना पवित्र हो, शास्त्र के आज्ञा अनुसार हो, मतलब हमारा चारित्र का ऐसा निर्माण हो कि हमारे आसपास के 2-5-25 लोग ऐसे हैं जिनको हम प्रेरणा रूप बन सके, ताकि भविष्य की पीढ़ी में भी ये संस्कार आगे चलते रहे। स्वामी विवेकानंद एक बात करते थे, द ग्रेटेस्ट, द हाइएस्ट एंड द नोबलेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन दैट अ मैन कैन मेक फॉर द सोसाइटी इज अ प्योर एंड स्पॉटलेस कैरेक्टर। तो ये तीन बातें हमें कम समय में करनी है। पहली बात आती है हमारी सांसारिक जवाबदारियां निभाने में, उसमें वर्क एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट है, वो ठीक ढंग से करें तो आप जितना आपके मन में है, जितने ख्वाब आपने देखे, उससे 2 गुना 3 गुना और कहीं बार तो 5 गुना भी काम कर सकते हैं, अगर आपने एफिशिएंटली काम किया तो और टाइम मैनेजमेंट से काम किया तो। नॉर्मल व्यक्ति जो काम करता है रूटीन में, उससे 2 गुना 3 गुना और 5 गुना भी आप कर सकते हैं, ये प्रिंसिपल्स अप्लाई होने चाहिए। उसमें सबसे पहली बात आती है कि कठिन परिश्रम से कभी ना डरे, कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। यू कैनॉट गो एट द टॉप विथ एन एलिवेटर, इट इज ऑलवेज अ स्टेयरकेस, वन स्टेप एट अ टाइम, ये एक हकीकत है। तो पुरुषार्थ करना इस सृष्टि का एक नियम है, पशु पंखी है वे भी पुरुषार्थ करते हैं, तो भगवान ने और कुदरत ने ये जो निर्माण किया है उसमें पुरुषार्थ सभी के लिए अपने अपने क्षेत्र में रखा है। हम मनुष्य तो हमारे पास खाने पीने की व्यवस्था तो पूरे साल की है, तो हम खाने पीने के लिए ज्यादा दौड़ते नहीं, तो हम पैसे ज्यादा बनाने के लिए या स्टेटस ज्यादा बनाने के लिए, प्रसिद्धि ज्यादा के लिए दौड़ते हैं। पशु पंखी वे सुबह उठ के दौड़ते हैं अपना पेट भरने के लिए।